चारा घोटाले के 5 में से 4 मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव सजा की आधी अवधि जेल में काट चुके थे, जिस आधार पर उन्हें मामलों में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा 2015 में हाजीपुर में दिए गए विवादित बयान के मामले में भी लालू को जमानत मिल चुकी है। जी हां, आपको बता दें, सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले लालू ने रिहाई के लिए 10 लाख रुपए कोर्ट में जमा कर दिए। झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेलबॉर्न निचली अदालत में भेज दिया गया था। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि बेलबॉर्न भर दिया गया है, अब उन्हें कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिली है। यह मामला डोरंडा के कोशानगर से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया। इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।